हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल ही अलग तरीके से और कम चीज़ों में और बिल्कुल कम ही टाइम में। तो व्हाइट सॉस वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फुल क्रीम मिल्क लिया है आपके पास, जो भी मिल्क हो वह आप ले सकते हैं। चिकन लिया है हमने यहाँ पे आधा पाव। ब्लैक पेपर लिया है हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मुझे व्हाइट सॉस थोड़ा ज़्यादा बनाना था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। साथ ही हमने बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर है। और पास्ता लिया है, आप किसी भी शेप के पास्ता ले सकते हैं। बंद गोभी लिया है, साथ में शिमला मिर्च लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 to 10 ग्लास वाटर हमने इसमें डाला है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 स्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने जितना आपको पास्ता चाहिए आप उस हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे। इससे क्या होता है कि पास्ता जो है वो चिपक के ख़राब नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना ऑयल इसमें मैंने ऐड कर लिया है। बस जैसे इसका उबाल आए तो हम इसमें पास्ता डाल के उसको पकाएंगे। पास्ता का जो पानी है उसको हमने दूसरी तरफ रखा है। जैसे ही उसमें उबाल आए तब तक हम यहाँ पे वेजिटेबल को पकाएंगे। वेजिटेबल को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। दस मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हम सब्जियों में 1/2 स्पून नमक इसमें मैं डालूंगी, क्योंकि पहले मैंने पास्ता का जो पानी है उसमें भी मैंने नमक डाला है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम नमक यूज़ कर लूँगी। तो बस इसी तरह हम सब्जियों को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो पास्ता हमने पानी में डाला है, उसमें अच्छे से उबाल आ गया था। अब हम यहाँ पे जो है इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। हमने वेजिटेबल को 8% इसको हमने कुक कर लिया है। पास्ता को मैं यहाँ पे 14 मिनट्स तक इसको पकाऊंगी। और चूल्हा जो है वो मैंने यहाँ पे पहले हाई पे रखा था और अभी मैंने मीडियम पे रखा है। और जो वेजिटेबल के जो चूल्हा है वो हमने लो टू मीडियम पे रखा है। तो पास्ता भी बिल्कुल रेडी है और वेजिटेबल भी बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा जो है दोनों का ऑफ कर देते हैं और पास्ता को हम अच्छे से छान के इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे ताकि ये चिपक के ख़राब ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, पास्ता भी बिल्कुल रेडी है और वेजिटेबल चिकन भी बिल्कुल तैयार है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लिया है और चूल्हा को हम मीडियम पे रखेंगे। अब हम इसमें ये अनसॉल्टेड बटर इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रख रही हूँ, अगर नीड पड़े तो फिर मैं ये भी यूज़ कर लूँगी। अब हम बटर को जो है उसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बटर को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा जो है वो ऐड करते जाएंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। चूल्हा जो है अब मैं यहाँ पे बिल्कुल लो पे रखूंगी। अब
अब हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो बस इसको छोड़ना नहीं है, चम्मच चलाते रहना है। चूल्हा जो है वो हमने यहाँ पे लो पे रखा है। तो हमने व्हाइट सॉस को जो है बड़े से बर्तन में हमने इसको ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि वो छोटा था पैन। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे बगैर चीज़ का बना रही हूँ, बगैर चीज़ का भी बहुत ही क्रेमी और बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता बनके तैयार होता है। इसमें ऐड करूँगी हाफ स्पून नमक। तो हमारा व्हाइट सॉस बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। तो अब हम इसमें ये सारे पास्ता जो है इसमें ऐड कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें वेजिटेबल भी इसी में डाल देंगे। तो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है, बहुत ही जूसी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो अब हम यहाँ पे चूल्हा जो है वो ऑफ कर देते हैं और पास्ता को डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है, आप ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। फिर मैं लौट के आऊँगी एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।